ताजमहल बनाने की बात नहीं करते मेरे निकले में कि ताजमहल हमको बना के नगर निगम देगा या LDO देगा। हम एक महीने हुए लिए और हमारा जो है शीशा पूरा जो है पीछे का जो है पूरा शीशा तोड़ दिया गया। आश्वासन ही कोरा रह जाता है और लेकिन उसका समाधान नहीं किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश नगर निगम निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अभी डेट फाइनल नहीं हुई है। हम आ चुके हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग एक बार फिर से करने के लिए, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो रोड है ये बनाई गई है, लेकिन अगर देखेंगे तो ये इस तरह की रोड बनी है जो अभी से जो जिसको कहते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर खाना पूर्ति की गई है इस रोड में। और अगर इधर की बात करेंगे तो ये रोड सिर्फ यहाँ पर ऐसे ही ये भी बनाई गई है और इसमें डामर तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगाया गया, सिर्फ थोड़ा सा बुराला टाइप का डाला गया है और एक तरह से खाना पूर्ति गई। ये एरिया लगता है पेपर मिल वार्ड नेहरू इंक्लेव गोमती नगर में आता है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग निवासी मौजूद हैं जो अपनी अपनी समस्याओं से परेशान है कि आकर जो उनके पार्षद हैं उन्होंने क्या विकास इस इलाके में किया है। आइए जानते हैं, यहाँ पर मौजूद जो है हमारे साथ एक आंटी जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आंटी जी, आपका क्या नाम है और आपके एरिया में जो पार्षद उन्होंने कितना विकास आपके इलाके में किया? हमारा नाम मधु अग्रवाल है। हमारे यहाँ की सारी नालियाँ अनकवर्ड हैं जिसके कारण मलेरिया, डेंगू और इतनी भयानक बीमारियाँ आ रही हैं जिसके लिए कोई ध्यान नहीं देते हैं, बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं दिया किसी ने भी। और हमने नगर पालिका के भी कई लेडीज को बोला कि हमारी ये नालियाँ कवर करवा दीजिए, पर उन्होंने आज तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। पीछे अगर देखेंगे तो एक अवैध प्लॉट भी यहाँ पर है जहाँ पर गतिविधियाँ जो अवैध होती रहती हैं, इसकी भी शिकायत हमसे इन्होंने करी है कि यहाँ पर कोई भी बात मतलब इनके पार्षद से कहा गया लेकिन इस पर कोई भी उन्होंने कदम नहीं उठाया। निवासी लोग निवासी मौजूद हैं जो जानेंगे इनसे कि आखिर जो यहाँ पे पॉश एरिया है, पॉश इलाके में आता है गोमती नगर नेहरू इंक्लेव, और यहाँ पे जो अंकल जी क्या परेशानी है आपको? राम सुरक्षा सामाजिक तत्व यहाँ रहते हैं, आते हैं जाते हैं और ये हम दिन भर पारा करें कि रात भर पारा करें, जब बच्चे जाते हैं तब से गाड़ी आके 9 बजे लग जाती है और दिन भर हम लोग कमरे में चले जाते हैं और उसके बाद जो है ये रात में तो वही हाल है कि जब हमारे पास कोई पार्किंग नहीं है, अब हमारी गाड़ी बाहर रहती है रोड पर। जैसे अगर देखा जाए कि बहुत सारे अगर हम और भी कॉलोनी में देखेंगे तो वहाँ पे गैराज की सुविधा दी जाती है, तो क्या ऐसा नहीं है क्या यहाँ? हमारे पास कोई सुविधा इस तरह की नहीं मिली है। हम मकान लिए हैं लेकिन हमारे पास ऐसी सुविधा नहीं मिली है, जबकि गैराज तमाम पड़े हुए हैं और उसमें हमको व्यवस्था किया जाए कहीं गाड़ी रखने के लिए। नहीं, मिलते रहते हैं पार्षद जी से लेकिन अनेक बार उनसे कंप्लेंट करने के बावजूद कोई रिमूव नहीं कराया जा रहा है। सीवर लाइन रोड पर बह रही है और 2-4 बार उनसे कंप्लेंट की, व्यक्तिगत उन्होंने आके मौके पर मुआयना किया और आश्वासन ही कोरा रह जाता है और लेकिन उसका समाधान नहीं किया जा रहा है। हमें पता चला लगभग 20 सालों से वो यहाँ पर हैं, एक बार उनकी वाइफ भी पार्षद रह चुकी है, तो 20 साल से मतलब आप लोग उनको का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। मार्केट ऐसे ही टूटी हुई है, जो आश्वासन हम लोगों ने परचेज करने के टाइम हमें दिया था LDA ने, लेकिन वो कोई भी तरीके से कोई बाउंड्री वॉल नहीं दी गई और किसी कोई सुविधाएं नहीं है, पार्षद जी का भी कोई सहयोग नहीं है। 20 सालों से वो पार्षद आपके इलाके में बन रहे हैं, आप ही लोग के उससे बन रहे हैं, तो फिर कैसे मतलब वो डेवलप नहीं कर रहे हैं? अब उनका एरिया बहुत लंबा है जिसकी वजह से नेहरू इंक्लेव जो है वो नजरअंदाज किया जाता रहा है, आज नहीं पिछले 20 साल से नजरअंदाज हो रहा है। वो ये कहते रहते हैं कि नगर निगम को हैंडओवर नहीं है, तो जो कि हैंडओवर हो चुकी है, लेकिन अगर यदि गुमराह भी किया जा रहा है तो इसमें रहने वाले लोगों की क्या गलती है? तरह से आपके नगर निगम निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आपके पार्षद जो राजेश सिंह जी हैं उन्होंने कितना विकास आपके इलाके में किया है? देखिए, वो 20 साल से यहाँ पार्षद हैं और हम लोग जब से यहाँ आए हैं, 18 साल हो गए मुझे यहाँ आए हुए, तो हमें बस ये बताया गया कॉलोनी हैंडओवर नहीं है, जबकि हम 2006 से हाउस टैक्स लगातार दे रहे हैं और सफाई के नाम पर हमको झाड़ू भी प्रॉपर वे में नहीं कॉलोनी में लगती। ये देखिए गंदगी का अंबार, इसको देखकर आपको अनुभव आइडिया लग सकता है कूड़ा कितने दिनों से सड़ रहा है। और जानवरों का आतंक, आवारा पशु, इसमें गाय, सांड, कुत्ता, बिल्ली सब है। अब हम लोगों ने ये सोच के मकान लिया था कि हम LDA की एक अच्छी विकसित कॉलोनी में मकान खरीद रहे हैं, पर हमारी जो सुविधाएं हैं उनके देखकर ऐसा लगता है कि हम मलिन बस्ती बनाते हैं। हर चारों तरफ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, बार बार कहना पड़ता है कि झाड़ू लगाइए, झाड़ू लगाइए, झाड़ू के आगे हम लोग बढ़ ही नहीं पाए हैं। क्योंकि विकास क्या होता है,
ये शायद पार्षद जी को आज तक नहीं समझ में आया है। पार्षद जी का कहना रहता है कि हमको कॉलोनी हैंडओवर नहीं हुई है, और जब हम एलडीए जाते हैं तो उनका कहना रहता है हम कॉलोनी हैंडओवर कर चुके हैं, वाटर सीवर और सफाई व्यवस्था ये पूरी तरह से नगर निगम को दी जा चुकी है। अब पार्क है 952 फ्लैट हमारे नेहरू क्लेम में बने हुए हैं, दो बड़े पार्क है श्रीराम पार्क और एक गायत्री पार्क, दोनों पार्क बस पार्क के नाम के लिए बना दिए गए हैं, ना वहाँ झूले हैं ना वहाँ की बाउंड्री बॉल है, उसमें सारे जानवरों का आतंक रहता है, कुत्ते भी नहीं, यहाँ तक कि जो अवैध लोग नेहरू क्लेम में रह रहे हैं वो उसको सुलभ शौचालय भी बना लिए हैं, क्योंकि बीसी बार बार एलडीए कहते हैं कि हमने अवैध लोगों को निकाल दिया, पर हम आपको अभी भी ऐसे घर दिखा सकते हैं यहाँ अवैध लोगों का बराबर रहना है। और एलडीए की जो लिस्ट है उसमें उनका नाम कहीं जाहिर ही नहीं होता है जो एलडीए पेपर में पब्लिश करते हैं कि अवैध लोग हैं। मैम किन किन समस्याओं से आप लोग यहाँ परेशान हैं? एक सबसे पहले सड़क 10 साल हो गए नेहरू क्लब की सड़क नहीं बनाई गई, दूसरा पार्क बच्चों के लिए नहीं है, जबकि आज की सबसे पहली आवश्यकता बच्चों के लिए पार्क है, क्योंकि बच्चे दिन भर मोबाइल में छोटे बैठे रहते हैं और बच्चों की क्या है आँखें खराब हो रही हैं। सभी डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चे फिजिकल एक्टिविटी करें, उनके लिए पार्क सबसे पहली ज़रूरत है। दूसरी बात सीवर में नेहरू एनक्लेव में उसकी व्यवस्था सिस्टम ही नहीं बनाया गया, नगर निगम आता है थोड़े दिन खाली करके चला जाता है, क्योंकि उसका जो मेन सप्लाई है वो आगे कनेक्टिविटी नहीं है तो ओवरफ्लो हमेशा ही होता रहता है। बिजली जो बिजली के तार हैं वो 30-40 साल पुरानी लाइनें पड़ी हुई हैं, तो ऊर्जा विभाग से मेरा अनुरोध है कि इन लाइनों को चेंज कर दिया जाए, क्योंकि अभी भी प्रेमाइन ब्लॉक में एक बार स्पार्किंग से आग भी लगी है, दो गाड़ियां भी जल गई थी। और एक कूड़ा घर जो भी मैं आपको दिखाऊंगी पीछे पूरा बना रखा, बार बार मेरे मंत्री जी से अनुरोध है इस कूड़ा घर को समाप्त कर दिया जाए और यहाँ पर एक प्ले ग्राउंड बना दें। आप कुछ भी मत करिए, एरिया साफ करके प्ले ग्राउंड बना दीजिए, बच्चों के लिए खेल का मैदान मिल जाएगा। और इसके अलावा हमारी ये जरूरतें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, जिसके लिए हमको ताजमहल बनाने की बात नहीं करते नेहरू क्लब में कि ताजमहल हमको बना के नगर निगम देगा या एलडीए देगा। 20 साल से पार्षद केवल हमको ये गुमराह करते रहे, हमको हैंडओवर नहीं है, लोगों को भी या आइडिया ही नहीं था कि हैंडओवर कॉलोनी हो चुकी है। अगर हैंडओवर नहीं है तो एलडीए करेगा, हैंडओवर है तो नगर निगम करेगा, पर लोगों की सुविधाएं तो लोगों को मिलेंगी ना, वो सुविधाएं से वंचित क्यों है नेहरू क्लब के लोग? 30 साल हो गए हैं पर सुविधाओं के क्या है हालत वो आप लोग खुद देख सकते हैं। अब बात आती है से आपने बात की 20 साल से आपके यहाँ पार्षद राजेश जी हैं जी, तो आप लोगों ने उनसे शिकायत की होगी, एप्लीकेशन दी होगी? शिकायत करते हैं, वो आकर आगन एलडीए को कह देते कि एलडीए काम करेगा। हमारे यहाँ के विधायक जो थे वो नगर विकास मंत्री भी रहे, तब भी ये विवाद खत्म नहीं हुआ। अच्छा एलडीए में हम कहते हैं कि बाउंड्री वॉल बना दीजिए, पास में गांव है जुगोली, तो वो कहते हैं सेना से बर्बाद चल रहा है, जबकि आप देखिए ये प्रेमायन ब्लॉक और रूपायन ब्लॉक ये अभी 8 साल पहले बने थे, तब विवाद नहीं था क्योंकि मकान बना के और बेच दिए गए। अगर विवाद बाउंड्री वॉल के लिए था तो मकानों के लिए होना चाहिए था। तो मेरा अनुरोध नगर निगम से, एलडीए से, कमिश्नर मैडम से, नगर विकास मंत्री से बस यह है कि नेहरू एनक्लेव के लोगों का पालनहार कौन है, कौन उनको इस सारी मुसीबतों से बाहर लाएगा, वो प्लीज सामने आए और हम सभी लोगों को इन मुसीबतों से छुटकारा दिलाए, यही मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी शासन प्रशासन से अनुरोध है। खुला जानवर ये देखिए आप, खुला जानवर दिन भर कॉलोनी में घूमते रहते हैं, ये खुला जानवर सांड भी है जो कि बच्चों के लिए अकेला भेजना बहुत मुश्किल है, दिन भर गाय भैंस बकरी कुत्ता पूरे दिन सड़कों पर टहलता है। तो आखिर हम नेहरू एनक्लेव में रह रहे हैं या किसी गांव में, ये एक प्रश्न है जो हम सभी के सामने हमेशा रहता है और वही हम कहना चाहते हैं। जैसे कि नगर निगम निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो एक बार फिर से आपके सामने वो पार्षद खड़े होंगे, पार्षद जी अभी क्या कहना चाहेंगे? पता है हमारे पार्षद, हम नहीं लगता हमने 5-6 महीने से उनकी शक्ल देखी होगी, ना मंत्री जी कभी आते हमारे क्षेत्र में, वो विधायक जी हमारे यहाँ कभी नहीं आते नेहरू क्लब में। मैं सारी जगह कोशिश करती हूँ कि एक बार विजिट आकर आप करके देखिए कि नेहरू क्लब की क्या स्थिति हो गई है। पार्षद जी चुनाव सर पर है, पर आप सबसे पूछ सकते हैं कि आपने पार्षद जी को देखा है? कभी आए आपके पास? आप पूछिए सब लोगों से पार्षद जी कब आते हैं, यह वही बता सकते हैं। हमारी तो सबकी इच्छा है कि लापता के पोस्टर पूरे नेहरू क्लब में लगा दिया जाए कि पार्षद जी आइए और देखिए 20 साल में आपने पार्षद निधि से या विधायक निधि से क्या उद्धार कराया।
तो विधायक जी आपके अब कौन है इस क्षेत्र? अभी हमारे यहाँ आशुतोष टंडन जी हैं विधायक, उससे पहले भी वही विधायक थे और वही नगर विकास मंत्री थे, तब भी इस नेहरू क्लब का विकास कोई नहीं करा पाया। और ये अभागी कॉलोनी है नेहरू क्लब LDA की, जिसका कोई रखवाला ही नहीं है। इस बार किसको अपनी इस नेहरू क्लब का रखवाला बना जाए? अभी तो ये तो सरकार डिसाइड करेगी कि इसका रखवाला कौन होगा। अभी तो हमारे मुद्दे ये कूड़ागन समाप्त हो जाए, सीवर से मुक्ति मिल जाए, सड़क बन जाए और पार्क बन जाए, हमारी समस्या का समाधान हो जाए। और वो हम लोगों ने छोड़ दिया ऊपर वाले के हाथ कि हमारा कौन रखवाला वो हमारे लिए भेजेगा। अभी आपने एक बिल्डिंग में दिखाई थी जो अवैध पड़ी है जी, तो उसके बारे में भी आपने कहीं LDA से जो है संपर्क हाँ, किया? हमने बहुत बार लिख लिख के LDA को दिया है, 2 साल से तो लगातार मैं ही LDA जा रही हूँ कि वो अवैध बिल्डिंग में सारे अवैध कारनामे होते हैं, तो उन अवैध कारनामों को रोकने के लिए हम यही कह सकते हैं अगर बिल्डिंग को पूरा नहीं कर सकती तो आप प्लेन मैदान बना दीजिए, तो अवैध चरस गांजा लड़कियाँ लड़के जो सारी हरकतें हो रही है वो बंद हो जाए। बस मेरा यह अनुरोध है कि आप नहीं कंस्ट्रक्शन करते मत करिए, पर एटलीस्ट उसको प्लेन सरफेस कर दीजिए, क्योंकि अंदर क्या हादसा हो रहा है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? शासन प्रशासन किसकी जिम्मेदारी है वहाँ पर जो सारे कारनामे हो रहे हैं? मेयर से आप मिलती रहती हैं, आप एक समाज सेविका हैं, मेयर से आपकी डायरेक्ट संपर्क करते हैं, तो उनसे आपने इसकी शिकायत? हाँ, मेरी बता रहे मेरी जो पहल है मुस्कुराहट की, वो मेयर मैडम खुद यहाँ आई थी और अभी मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे भी कहा, वो मतलब अधिकारी बात सुन लेते हैं पर अधिकारी के नीचे जो काम करने वाले हैं वो लोग नहीं सुनते हैं। अभी स्ट्रीट लाइट का ये मैंने कहा था, अंधेरा रहता वहाँ वहाँ स्ट्रीट लाइट लगा दी, पता नहीं कब जी साहब का सर्वे पूरा होगा। कोई कह रहा मेरे घर की लाइट चोरी ले गए निकाल कर, आज तक लगाने नहीं आए, कहीं पिलर नहीं लगे हुए और कहीं मेहरबानी है तो 2-2, 3-3 लाइटें भी लगा दी गई हैं। ये तो सब राम राज्य है और इसके बारे में हम ज़्यादा क्या कहें। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग में आपकी नेहरू इनक्लेव के जो लोग हैं उनसे रूबरू करवाया, उनकी क्या क्या समस्या है ये तो हमने भी देखा और आपने भी देखा कि किस तरह से यहाँ पे कूड़े का जो अंबार पड़ा हुआ है, यहाँ पे सफाई के नाम पे सफाई होती ही नहीं है, लोग खुद यहाँ अपने घरों के सामने सफाई करते हैं, सीवर की भी समस्या है यहाँ पे, लाइटिंग की भी, लाइट की भी आपने देखा कि यहाँ पे लाइट मतलब सिर्फ नाम के लिए लगी है, कहीं कहीं पे लगी है, कहीं पे लाइट है ही नहीं। और तार की अगर बात करें तो लाइट के तार वो भी काफ़ी साल पुराने यहाँ पर हैं। तो ये जो पौश इलाके में गोमती नगर इलाका जो आता है, ये नेहरू इनक्लेव जो जो अपने जो लोग यहाँ मौजूद हैं, जो लोग यहाँ निवासी हैं, वो कितनी खास समस्याओं से जूझ रहे हैं और यहाँ के जो पार्षद हैं उन्होंने उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है कि जो समस्या है उसको ख़त्म कराएं। उस इलाके के पार्षद राजेश सिंह जी, उन्होंने कई बार लोगों ने यहाँ से उनकी शिकायत भी की है अपनी अपनी समस्याओं को ले जाकर, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी इस पर मतलब एक्शन नहीं लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज के साथ मनु तिवारी, वी न्यूज़, लखनऊ। इतनी गंदगी मेरे घर के बगल में पड़ी हुई है, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें अवैध सारे काम होते हैं और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम ही लोगों को होती है, क्योंकि यहाँ पे दो तीन बार चोरी भी हो चुकी है, जिसकी वजह से हमें कैमरे भी लगवाने पड़े और सारी गंदगी किसी को कहो किसी को सुनना नहीं है। पार्षद से मतलब आपके पार्षद से मैंने बात की, जो उनके एक कर्मचारी हैं उनसे कहा वो तो लड़ने लगते हैं कि पार्षद से कहिए, पार्षद से कहो तो वो सुनते ही नहीं है, कोई काम होता नहीं है यहाँ पे, आश्वासन बस जो हमेशा नेताओं का रहता है वही यहाँ चलता है। जैसे नगर निगम निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अभी डेट आई नहीं है, लेकिन फिर से वो आपके एक बार आएंगे आपके पास वोट के लिए, तो इस बार क्या उनसे कहेंगे? मैंने उनसे पहले भी कहा था, अभी जब वो पहले भी आए थे तब भी मैंने उनसे कहा था कि वोट मैं तब दूंगी जब आप यहाँ की सफाई कराएंगे और इसका कुछ मेंटेनेंस कराएंगे इस एरिया का, क्योंकि यहाँ सीवर, रोड लाइट्स, ये गंदगी, ये सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ की। तो उन्होंने इस इलाके में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं किया है? कुछ नहीं, बस ये लाइटें 2-4 लगवा दी हैं, वो भी एक एक खंबे पे 4-4 लगवा दिए, बाकी तो अंधेरा ही पड़ा हुआ है, क्या मतलब है,